हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बर्नआउट। तो वीडियो शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो टू लॉन्चेस हुए हैं कार के। एक हुआ है मर्सिडीज मेबैक GLS 600। तो अब मैं आपको बताना शुरू करता हूँ GLS 600 के बारे में। मेबैक जो है, इसका जो एक शोरूम प्राइस इंडिया में निकला है वो 2.43 करोड़ निकला है एक शोरूम, हम कह सकते हैं। और ये इन्होंने हाइब्रिड में भी निकाली है। और अब मैं इसकी आपको बताने वाला हूँ जो इसका टायर साइज़ है वो 22 इंचेस का टायर साइज़ है, और इसको ऑप्शनल रखा जा रहा है 23 इंचेस के टायर साइज़ के साथ। और इसमें LED हमें लाइट्स मिलती हैं फ्रंट और रियर। और अगर मैं आपको इसके डायमेंशंस बताऊँ तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंटीरियर में भी चेंज है और इसके डायमेंशन में भी चेंज है एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें GLS 450 से। तो अगर हम इसकी लेंथ की बात करें तो लेंथ इसका 2 mm शॉर्ट कर दिया गया है। और अब मैं आऊँ जो इसकी सेकेंड रो की स्पेस में, उसको 93 mm बढ़ा दिया गया है इनर, मतलब कंफर्ट जो है सेकेंड रो का। और अब मैं बात करता हूँ जैसे अब आपसे आप कह सकते हो हाइट की, हाइट बढ़ा दी है 15 mm, और जो इसकी विड्थ है विड्थ को भी इंक्रीज कर दिया गया है 31 mm के साथ। और जो इसका कैबिन है वो नापा लेदर डाला गया है कप होल्डर्स में, और रियर रिक्लाइनर सीट्स हैं, हमें वेंटिलेटेड सीट्स भी मिलती है, पैनोरामिक सनरूफ मिलता है, और हमें इसमें मसाजर का फंक्शन भी मिलता है। और अगर मैं इसमें और बात करूं फीचर्स के लिए तो इसमें हमें रेफ्रिजरेटर की भी ऑप्शन मिलती है जिसमें हम 2 शैम्पेन्स डाल सकते हैं, और हमें 2 शैम्पेन होल्डर्स भी मिलते हैं। जो अगर आप लेमन लैंग्वेज में बात करें तो एक कप होल्डर होता है और एक शैम्पेन होल्डर होता है अलग अलग, तो हमें इसमें शैम्पेन होल्डर भी अलग से मिलता है। और अगर मैं इसके मैकेनिकल पे आऊँ तो हमें इसमें 4 लीटर ट्विन टर्बो V8 पेट्रोल इंजन मिलता है जो 9G ट्रॉनिक ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ। और जो इसकी पावर है वो 558 BHP प्रोड्यूस करता है और 730 Nm का टॉर्क। और SUV मर्सिडीज़ की है, आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल सकती है। तो इसके अब मैं आपको बताऊंगा सेफ्टी फीचर्स और आप कह सकते हो ड्राइविंग असिस्टेंस के बारे में जो बेसिक इनमें इन्होंने मर्सिडीज ने डाला है और जो एडिशनल भी है इसमें। एक तो इन्होंने ABS डाला है, एक्टिव लीन कीपिंग असिस्टेंस, एक्टिव डिस्टेंस असिस्टेंस, और ऐसे काफ़ी सारे हमें ऐसे मिलते हैं, स्टेयरिंग असिस्ट भी मिलता है। और अगर मैं सेफ्टी भी बात आऊँ तो हमें इसमें एयरबैग्स, 360 डिग्री कैमरा, हमें इसमें 4 मैटिक भी मिलता है जिसके हम कार को डाउन और अप कर सकते हैं। और हमें इसमें EBD, EPS, ABS, कार वॉश मोड, अटेंशन असिस्ट, और ऐसे मतलब काफ़ी सारे हमें इसमें सिस्टम्स मिलते हैं। ऑफ रोडिंग का भी हमें अलग से बटन मिलता है, हिल डाउन का भी मिलता है, हिल अप कंट्रोल का भी मिलता है, ऐसे काफ़ी सारे। अब लैम्बोर्गिनी जो हुरेकन है ईवो RWD स्पाइडर लॉन्च करा है। RWD हो गया रियल व्हील ड्राइव, मतलब जिन लोगों को नहीं पता वैसे तो सबको पता ही होगा। और इसका जो इसमें इन्होंने इंजन डाला है वो 5.2 लीटर का है, इसमें जो इंजन V10 इंजन डाला है इसमें, और जिसकी पावर है वो 602 BHP प्रोड्यूस करता है एंड 560 Nm का टॉर्क। और ये इंडिया में सेकेंड कार है जो इन्होंने इसी साल लॉन्च करी है, और आप कह सकते हो ये बेसिकली इटालियन स्पोर्ट्स कार है, और जिसका एक शोरूम प्राइस एज ऑफ नाउ जो बोला जा रहा है वो 3.22 है, बट इंडिया में ये लॉन्च हो रहा है 3.58 का एक शोरूम एज ऑफ नाउ। और अगर मैं बात करूँ तो ये 0 to 100 जो कवर कर जाती है ये 3.5 सेकेंड्स में कवर कर जाती है, और जो इसकी हाईएस्ट टॉप स्पीड है वो 320 की टॉप स्पीड हमें इसमें मिलती है। और हमें इसमें सॉफ्ट टॉप को भी ऑप्शन मिलता है जो 17 सेकंड्स में अप डाउन हो जाता है आप बोल सकते हैं, और हम इसको क्रूज कर सकते हैं 50 के ऊपर। और जो इसमें हमें टच स्क्रीन मिलती है वो 8.4 इंचेस की टच स्क्रीन मिलती है विद एप्पल कार प्ले एंड अमेज़न एलेक्सा। New Huracan Evo RWD Spider. Rewind to rear wheel drive. और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब शेयर। अब ऐसी जो और नई अपडेट्स आते रहेंगे वो हम आपको टाइम टू टाइम देते रहेंगे।
थैंक यू।